हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेंगल को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो, स्ट्रेंगल का आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, कैसे आपको एक स्ट्रेंगल को ट्रेड करना चाहिए, और अगर मार्केट आपकी स्ट्रेंगल को चैलेंज करता है, आपको एक स्ट्रेंगल में लॉस आना शुरू होता है, तो आप कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हो, कैसे इसको मैनेज कर सकते हो। इस पर मैं ऑलरेडी काफी वीडियोज बना चुका हूँ, लेकिन काफी टाइम हो गया मुझे कोई स्ट्रेंगल पे वीडियो बनाए, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको बताता हूं कि इसका सेटअप कैसा होना चाहिए, इसमें किस तरह के एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो देखिए, स्ट्रेंगल के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रेंगल है, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेटजी है, लेकिन साथ ही ये एक ओपन स्ट्रेटजी भी है। ओपन स्ट्रेटजी का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेटजीज होती है डिफरेंट टाइप्स की होती है, कई आती है जो इनबिल्ट हैज के साथ आती है, और कई होती है ये ओपन स्ट्रेटजीज होती है। जो स्ट्रेटजी इनबिल्ट हैज के साथ आती है, इसमें आपका रिस्क है वो लिमिटेड होता है, लेकिन ओपन स्ट्रेटजीज में आपका रिस्क है ये अनलिमिटेड होता है। जैसे आप एक नेकेड कॉल या पुट को सेल करते हो, या आप स्ट्रेडल को ट्रेड करते हो, या आप स्ट्रेंगल को ट्रेड करते हो, तो इन सभी स्ट्रेटजीज में क्या होता है, आपका जो रिस्क है वो अनडिफाइंड है, अनलिमिटेड है, आपको कितना भी लॉस हो सकता है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है। तो इस वजह से स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी है ये, मैं सभी को रेकमेंड नहीं करता हूँ। मैं वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ डिफरेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर, और मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आप कौन सी वर्कशॉप हमें रेकमेंड करोगे, मुझे कौन सी वर्कशॉप के लिए ऑप्ट करना चाहिए। और ये रेकमेंड करने से पहले हम दो सवाल पूछते हैं कि आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है और आपके कैपिटल क्या है, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको स्ट्रेंगल बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, और यहाँ पे बाकी स्ट्रेटजीज हैं उनके कंपैरिजन में जल्दी प्रॉफिट आपको होना शुरू हो जाता है, क्विक प्रॉफिट यहाँ पे होता है, अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे होता है, लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका लॉस है वो खुला होता है, आपको कितना भी लॉस हो सकता है। तो इस वजह से ये जितनी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है उतनी ही रिस्की स्ट्रेटजी भी है। और अगर आप मार्केट में नए हो, आपकी कैपिटल है वो छोटी है, तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूंगा कि इसको आप ट्रेड मत कीजिए, इसको आप लर्निंग पर्पज से अभी देखिए, आप पेपर ट्रेड करके देखिए, बट इसको स्ट्रेट अवे मार्केट में ट्रेड मत कीजिए जस्ट बिकॉज ये प्रॉफिटेबल है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी कोई ऑप्शन सेलिंग में आता है तो यही वो स्ट्रेटजी है जो सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं, और उसके पीछे का रीजन ये है कि इसका नेचर है वो बिल्कुल सिंपल है, ये इजी टू अंडरस्टैंड है। एक स्ट्रेंगल में क्या होता है, हम एक आउट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करते हैं, आउट द मनी का पुट ऑप्शन सेल करते हैं। तो इस वजह से इसका नेचर है ये काफी सिंपल है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी नहीं है, सिंपल है लेकिन रिस्की भी है। इस वजह से आप अगर बिगनर हो, आपको एडजस्टमेंट्स की जानकारी नहीं है, तो आपको इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आपके स्ट्रेंगल का सेटअप किस तरह का होना चाहिए, कैसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कमिंग संडे को मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि स्ट्रेंगल के ऊपर ही होने वाली है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। बाकी इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए अब सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं, और अभी जो सीरीज चल रही है ये है अप्रैल की। तो अप्रैल सीरीज में ये आपको ट्रेड लेके मैं दिखाता हूं कि आपको स्ट्रेंगल को ट्रेड किस तरह से करना है। देखिए, एडजस्टमेंट है वो काफी जरूरी होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज अगर कोई ट्रेड में होता है तो वो होती है एंट्री। आपकी एंट्री है वो सही होनी चाहिए, अगर आप एंट्री ही गलत कर रहे हो तो कोई भी एडजस्टमेंट आपको बचा नहीं सकता। इस वजह से एंट्री पे आपका फोकस होना चाहिए कि आप ट्रेड में एंट्री किस तरह से कर रहे हो। अगर आपके ट्रेड की एंट्री सही है तो आपका आधा काम वहीं पे हो गया है, मोस्ट प्रोबेबली आपको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन अगर आपकी एंट्री गलत हो गई है तो अगर आपको एडजस्टमेंट्स आते हैं तो भी हो सकता है आपको उस ट्रेड में लॉस हो, क्योंकि आपकी एंट्री गलत हो चुकी है। तो इस वजह से एंट्री है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो एंट्री पे आपको खास ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, स्ट्रेंगल को अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, आपकी एंट्री किस तरह की होनी चाहिए। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे आप देखिए, एंट्री करते टाइम आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है आप मार्केट के बहुत ज्यादा नियर बाई नहीं आ रहे हो, आप मार्केट से एक सेफ डिस्टेंस पे हो। और ये आप कैसे डिसाइड करोगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, जब वो स्ट्रेंगल को ट्रेड करते हैं तो जो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन होता है वो सिर्फ इस बेसिस पे करते हैं कि मार्केट अगर 17,000 पे ट्रेड कर रहा है तो मैं 500 पॉइंट नीचे चला जाता हूँ, 500 पॉइंट में ऊपर चला जाता हूँ। तो जो उनका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन होता है वो इस तरह से होता है, एब्सोल्यूट टर्म्स में वो देखते हैं कि 500 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट नीचे। लेकिन इस तरह से आपका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपकी स्ट्रेटजी है वो इनबिल्ट हैज के साथ आ रही है, वहां पे आप कर सकते हो, लेकिन ओपन स्ट्रेटजीज में आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ऐसे नहीं होना चाहिए। तो अब आपका सवाल होगा कि फिर इसका क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, यहाँ पे आपको डेल्टा को देख के और फिर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना है। तो आपका डेल्टा होना चाहिए 10 to 15। आइडियली मैं आपको बोलूंगा कि आप 10 डेल्टा के साथ शुरू कीजिए। अगर आप एक नए ट्रेडर हो
तो आप 10 डेल्टा के साथ शुरू कीजिए। आप 15 से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 10 डेल्टा के साथ आप जाइए। 10 डेल्टा पे अगर आप जाते हो, 10 डेल्टा का स्ट्रेंगल अगर आप ट्रेड करते हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो वैसे ही 80% हो जाती है। तो 80% ऑफ द टाइम्स आपको उसमें प्रॉफिट होगा, 20% ऑफ द टाइम्स आपको लॉस होगा, वहां पे आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो 10 डेल्टा आपको लेना है, लेकिन अभी मार्केट में वोलेटिलिटी कम है। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं कि बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर आपको सबसे पहले देखना है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है, विक्स कहां पे ट्रेड कर रही है। विक्स जहां पे ट्रेड कर रही है उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटजी को ट्रेड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आंख बंद करके कोई भी स्ट्रेटजी को ट्रेड कर रहे हो, दैट विल नॉट वर्क। तो विक्स है, विक्स ऑन द लोअर साइड है, इस मार्केट में स्ट्रेंगल है, एक वायबल स्ट्रेटजी नहीं है ट्रेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि 10 डेल्टा पे हमें प्रीमियम काफी कम मिलेगा। लेकिन अगर विक्स ऊपर होती, वोलेटिलिटी का लेवल है ये ऊपर होता, तो 10 डेल्टा पे हमें अच्छा प्रीमियम मिलता। तो वही चीज आपको रेसिप्रोकेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 15 डेल्टा का एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूं। क्योंकि हायर विक्स में, जब विक्स 16 से अबो हो वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो, तो जब विक्स ऊपर के लेवल्स पे हो 16, 17, 18, इससे ऊपर कुछ भी हो लेकिन इससे नीचे अगर है तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। आइडियली जितना ज्यादा विक्स होगी उतना ही बेटर है एक स्ट्रैडल और स्ट्रेंगल के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी कम है, तो 10 डेल्टा है ये कौन से स्ट्राइक प्राइस पे है, 16,700 पे, और इसका प्रीमियम कितना है, 34 रुपीज। और उसी तरह से अगर कॉल साइड में देखूं तो 10 डेल्टा, देखिए 10 डेल्टा पे आपका प्रीमियम है ये सिर्फ 23 रुपीज का है। तो इस वजह से आपको हाई विक्स में ट्रेड करना है ताकि आपको 10 डेल्टा पे बेटर प्रीमियम मिले। अब यहाँ पे समझाने के लिए मैं 15 डेल्टा ले लेता हूं, क्योंकि अभी लो विक्स एनवायरमेंट में जो प्रीमियम आपको 15 डेल्टा पे मिलेगा, सेम प्रीमियम आपको 10 डेल्टा पे मिलेगा जब विक्स 17, 18 के लेवल पे होगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे 15 डेल्टा का मैं एक स्ट्रेंगल ट्रेड कर लेता हूं। तो नीचे की तरफ अगर मैं देखूं तो 16,900 है, इसका डेल्टा 16 है, तो इसका एक लोट मैं सेल कर देता हूं। उसी तरह से मैं ऊपर जाऊंगा और ऊपर आप देखिए 15 डेल्टा कहां पे है, 17,950। अगर मैं राउंड फिगर में लूं तो 17,900 है जिसका डेल्टा 17 है, इसका एक लोट मैं सेल कर देता हूं जिसका प्रीमियम है 41 रुपीज। तो देखिए यहां पे मैंने आपको 15 डेल्टा का एग्जांपल लेके दिखाया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया आपको क्या करना है, 10 डेल्टा के स्ट्रेंगल को ट्रेड करना है, लेकिन हाई विक्स में। हाई विक्स में जब आप ट्रेड करोगे तो इसी तरह के प्रीमियम आपको मिलेंगे 10 डेल्टा पे। तो इफेक्ट है वो आपका सेम आएगा, आपको 10 डेल्टा पे रहना है और लो विक्स में इस स्ट्रेटजी को ट्रेड नहीं करना है। तो अब ये देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आप देखिए 72% है, ऑलमोस्ट 72% यहाँ पे मेरी पीओपी है। लेकिन मैंने आपको वीडियो के शुरू में कितना बताया था कि अगर आप 10 डेल्टा के स्ट्रेंगल को ट्रेड करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 80% वैसे ही होगी। अब यहाँ पे है ये सिर्फ 70% है, 71% है। ये कम क्यों है? क्योंकि हमने डेल्टा थोड़ा ऊपर का ले लिया है, हमने 15 डेल्टा के स्ट्रेंगल को ट्रेड किया है और इसी वजह से मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये यहाँ पे 71% है। तो यही मैं आपको बता रहा हूं, जितना आप दूर का डेल्टा लोगे उतनी ही आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो ज्यादा होगी कि बिना एडजस्टमेंट किए आपको उसमें प्रॉफिट होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। जब भी आप कोई ट्रेड दो तो आप ये मेक श्योर कीजिए, आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि इस ट्रेड में मुझे एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़े ही ना। सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जहां पे एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़े ही ना, क्योंकि अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हो दैट मींस ट्रेड है वो आपके अगेंस्ट जा चुका है, मार्केट ने आपके ट्रेड को चैलेंज कर दिया है, अब आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट है ये आपके लॉस को कम कर सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका लॉस हट ही जाएगा। इस वजह से मेक श्योर कि आपका सेटअप इस तरह का हो कि आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़े ही ना। तो ये आपका सेटअप होना चाहिए, आपको 10 डेल्टा के एक स्ट्रेंगल को ट्रेड करना है। तो सबसे पहली चीज तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका सेटअप कैसा होना चाहिए। तो वो मैंने आपको बता दिया कि 10 डेल्टा का कॉल ऑप्शन आपको सेल करना है, 10 डेल्टा का पुट ऑप्शन आपको सेल करना है, और ये आपको कब ट्रेड करना है, जब विक्स का लेवल है 16, 17, 18 या इनसे ऊपर हो। जब विक्स ऑन द हायर साइड हो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 16 मतलब 16, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन विक्स है ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए, विक्स कम नहीं होनी चाहिए। तो 10 डेल्टा का स्ट्रेंगल आपको ट्रेड करना है, और कब करना है, जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा हो, जब विक्स का लेवल हो वो ऑन द हायर साइड हो। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए मान लीजिए मार्केट आपकी पोजीशन को स्टिल चैलेंज करना शुरू कर देता है, यहाँ पे आप देखिए आपके ब्रेक इवन्स हैं, उनकी तरफ आप एक बार देखिए, नीचे की तरफ आपका ब्रेक इवन है 16,800 पे है, और ऊपर की तरफ आपका ब्रेक इवन है ये ऑलमोस्ट 18,000 पे है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है कितनी होगी, 1200 पॉइंट की। 1200 पॉइंट की आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है, अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है ये ऑलमोस्ट 5,000 रुपए का है, और आपका जो मार्जिन लगा है उसका 5% है। और यही रीजन है कि मैं आप लोगों को बोलता हूं कि लो विक्स में आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि लो वोलेटिलिटी में ट्रेड करने की वजह से आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है ये कम है। तो मैक्स प्रॉफिट आपका ज्यादा होना चाहिए क्योंकि हम 100% प्रॉफिट के लिए नहीं बैठते हैं। तीसरी चीज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जैसे ही आपको अपनी स्ट्रेटजी में 50% ऑफ मैक्स प्रॉफिट हो आपको बुक करके निकल जाना है, ये पूरे 4600 रुपीज के लिए आपको नहीं बैठना है। मान लीजिए स्ट्रेंगल में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 5000 रुपीज का है, तो आपका एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा कि जैसे मुझे 2500 रुपीज का प्रॉफिट होगा मैं वो बुक करके निकल जाऊंगा, फिर मैं अगले मंथ की स्ट्रेंगल को ट्रेड करूंगा। तो तीसरी चीज ये आपको ध्यान रखनी है कि मुझे एग्जिट कैसे करना है। चलिए अब मान लीजिए मार्केट आपकी स्ट्रेंगल है इसके अगेंस्ट जाता है, इसमें ब्रेकिंग्स को तोड़ के ऊपर जाना शुरू कर देता है, तो आप किस तरह के एडजस्टमेंट करोगे। तो देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप पीएनएल देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए मार्केट या तो आपको ऊपर की तरफ चैलेंज करेगा या नीचे की तरफ, एक साइड ही मार्केट आपको चैलेंज कर सकता है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये जो कॉल का प्रीमियम है ये ऊपर जाएगा, जो आपने 41 रुपीस में सेल किया है ये ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो पुट का प्रीमियम है ये ऊपर की तरफ जाएगा और कॉल का प्रीमियम है ये नीचे जाएगा। तो जिस तरफ मार्केट जाएगा उसी तरफ का प्रीमियम है वो ऊपर जाएगा, और जितना ऊपर जाएगा वही आपका लॉस होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दो क्राइटेरिया है, जिस तरफ मार्केट आपको चैलेंज कर रहा है उस तरफ का प्रीमियम 3 times हो जाए, जो आपने सेल कर रखा है अगर उसका 3 times हो जाए। मान लीजिए मार्केट आपको ऊपर की तरफ चैलेंज करता है तो 41 रुपीज में आपने सेल किया है इसका 3 times, तो 41 का 3 times कितना हो गया, ऑलमोस्ट 120-125। अगर इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है ये 125 हो जाए तो आपको एडजस्टमेंट करना है। या दूसरा क्राइटेरिया क्या है, जो आपने 51 रुपीज का प्रीमियम सेल किया है ये 10 रुपए से नीचे हो जाए, मतलब इसमें जो प्रीमियम बचा है वो 10 रुपीज से कम हो, या इसका प्रीमियम है ये 3 times हो जाए, जो आपने सेल किया है इसका 3 times हो जाए, तो आपको एडजस्टमेंट करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मान लीजिए मार्केट ने हमें ऊपर की तरफ चैलेंज कर दिया तो आपको एडजस्टमेंट कहां पे करने हैं कि आपने जो प्रीमियम सेल किया है, मान लीजिए ऊपर की तरफ मार्केट ने चैलेंज किया है तो कॉल ऑप्शन है इसका प्रीमियम ऊपर जाएगा, पुट ऑप्शन है इसका प्रीमियम नीचे जाएगा, तो आपको एडजस्टमेंट तब करना है या तो जो आपने पुट ऑप्शन सेल कर रखा है जो 51 रुपीज में सेल किया है इसका प्रीमियम 10 रुपीज से नीचे चला जाए तो आपको एडजस्टमेंट करना है, या जो 41 रुपीज में आपने सेल किया है ये 3 times हो जाए, मतलब ये 123 या 125 हो जाए, तो आपको एडजस्टमेंट करना है। इन दोनों में से जो भी पहले होता है उसी दिन आपको एडजस्टमेंट कर देने हैं एक स्ट्रेंगल में। तो ये क्राइटेरिया है आपके एडजस्टमेंट करने का। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स क्या होगा, आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टिल जैसा कि मैंने आपको बताया 20% ऑफ द टाइम्स आपको मार्केट चैलेंज करेगा, वहां पे आपको ये एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो एडजस्टमेंट अब आप क्या करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहा हूं, एंट्री पॉइंट से लेके सेटअप से लेके किस तरह से आपको एडजस्टमेंट करने हैं वो सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए यहां पे अब एडजस्टमेंट आप कैसे करोगे, तो एडजस्टमेंट में बेसिकली आपको क्या करना है, मार्केट अगर आपको ऊपर की तरफ चैलेंज करता है तो एडजस्टमेंट कब करोगे वो क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है कि या तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम है वो 10 रुपए से कम हो, या कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है जो आपने सेल किया है उससे 3 times हो चुका हो। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन पहले आती है तो वहीं पे आपको एडजस्टमेंट करना है। और एडजस्टमेंट क्या होगा, जहां पे मार्केट ने आपको चैलेंज नहीं किया है उस तरफ के ऑप्शन को आपको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देना है, ऊपर या नीचे किसी भी तरफ। अगर मार्केट ने आपको ऊपर की तरफ चैलेंज किया है तो पुट ऑप्शन को आपको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देना है, और अगर मार्केट ने आपको नीचे की तरफ चैलेंज किया है तो कॉल ऑप्शन को आपको नीचे की तरफ शिफ्ट कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपकी ट्रेड की जो ये विड्थ है ये श्रिंक हो जाएगी। मार्केट मान लीजिए यहां पे पहुंच जाता है तो आप क्या करोगे, 6900 का पुट ऑप्शन है इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, उस प्रॉफिट को आप बुक करोगे और इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दोगे, तो इससे क्या होगा आपका जो मैक्स प्रॉफिट है ये बढ़ जाएगा, मैक्स प्रॉफिट है ये ऊपर जाएगा, लेकिन ब्रेक इवन्स है ये कम हो जाएंगे। होगा क्या कि 6900 का पुट ऑप्शन आपने सेल किया है, अब जब मार्केट यहां पे पहुंच गया है तो आप क्या करोगे, आप इसमें प्रॉफिट बुक करके और लेट से आप 17100 या 17200 का पुट ऑप्शन सेल करोगे। तो इस तरह से आपको अनटेस्टेड साइड है उसको ऊपर की तरफ लाते जाना है, ट्रेड को श्रिंक करते जाना है, और कहां तक आपको श्रिंक करना है वो अब मैं आपको बताता हूं। अब एक दो बार जब आप इसको ऊपर की तरफ लाओगे उसमें आपका काम हो जाना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट ज्यादा ही ट्रेंडिंग है वहां पे आपको क्या करना है, मान लीजिए आप एक दो बार ऊपर की तरफ ला चुके हो बट स्टिल मार्केट ऊपर ही जा रहा है, यहाँ पे देखिए मार्केट अगर रिवर्स होता है तो वो आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है, वहां पे आपको प्रॉफिट होगा, आप चाहते हो मार्केट रिवर्स हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है वो ऊपर ही जाना शुरू कर देता है, या नीचे गिर रहा है तो नीचे जाना शुरू कर देता है।
तो ऐसे में आपको क्या करना है, लेट से मार्केट ऊपर ही जा रहा है, आप दो तीन बार इसको रोल अप कर चुके हो जो पुट साइड है इसको, बट स्टिल आपको लॉस ही हो रहा है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपको इस ट्रायंगल को कन्वर्ट कर देना है एक स्ट्रैडल में। स्ट्रैडल का मतलब क्या हो गया कि ये जो पुट ऑप्शन है इसको आपको ऊपर शिफ्ट करते करते कहां तक ले आना है, 17900 के पुट ऑप्शन तक। अब देखिए 17900 का कॉल ऑप्शन है, ये आपने ऑलरेडी सेल कर रखा है, और अब आपको 17900 का पुट ऑप्शन और सेल कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी सेलिंग स्ट्राइक है वो कॉल और पुट दोनों की सेम है, तो अब ये जो स्ट्रैंगल थी ये एक स्ट्रैडल बन चुकी है। तो आप स्ट्रैंगल को कन्वर्ट कर दीजिए एक स्ट्रैडल में, स्ट्रैडल में सेम स्ट्राइक का कॉल और पुट दोनों हम सेल करते हैं। तो दूसरा एडजस्टमेंट आपका क्या होगा, आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए एक स्ट्रैडल में, और अभी भी अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप इन्वर्टेड जा सकते हो। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वो मैं आपको अभी रेकमेंड नहीं करूंगा। इन्वर्टेड जो है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है, हालांकि बिगनर्स को तो ये स्ट्रेटजी मैं वैसे भी रेकमेंड नहीं करता हूं, बट स्टिल इन्वर्टेड आप अभी मत जाइए, क्योंकि उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज मैंने आपको बेसिक बताया कि आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, आपका एंट्री क्राइटेरिया किस तरह का होना चाहिए, आपको एग्जिट कब लेना है, जो आपका मैक्स प्रॉफिट है उसका 50% जैसे हो जाता है आपको एग्जिट लेना है, और आप एडजस्टमेंट किस तरह के कर सकते हो, कि आपका पुट साइड है उसको आपको ऊपर रोल अप करते जाना है, या कॉल साइड है उसको नीचे रोल डाउन करते जाना है, और कहां तक रोल अप या रोल डाउन करना है, जब आपकी स्ट्रैंगल एक स्ट्रैडल में कन्वर्ट नहीं हो जाती वहां तक। उसके बाद भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, आप इन्वर्टेड जा सकती हो, लेकिन वो आपको नहीं जाना है, क्योंकि उसके पीछे की कुछ कंडीशंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। और ये एडजस्टमेंट आपको कब करने हैं, वो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि या तो अनचैलेंज साइड में आपका जो प्रीमियम है वो 10 रुपए से कम हो, या चैलेंज साइड में आपका प्रीमियम है वो 3 टाइम्स हो चुका हो, तब आपको एडजस्टमेंट करने हैं। तो चलिए, इस तरह से आपको एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करना चाहिए, इस तरह से आपको एक स्ट्रैंगल को मैनेज करना चाहिए। अब मुझसे एक चीज बहुत ज्यादा डिमांड की जाती है कि जो चीज मैंने आपको बताई है ये मैं सिमुलेटर पे करके दिखाऊं, तो ठीक है, मैं सिमुलेटर पे भी ये चीज आपको करके दिखाऊंगा। जो चीज मैंने आज आपको बताई है ये मैं सिमुलेटर पे भी करके दिखाऊंगा, और दूसरी डिमांड ये होती है कि बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेकर दिखाऊं। तो मैं जो भी स्ट्रेटजीज आपको बताता हूं वो मैं सिमुलेटर पे आपको करके दिखाऊंगा, और इस बार मैं बैंक निफ्टी के ऊपर आपको करके दिखाऊंगा। आगे के जो वीडियो लाऊंगा उनमें मैं मेक श्योर करूंगा कि सिमुलेटर पे हूं और बैंक निफ्टी के ऊपर हूं। मैं मेक श्योर करूंगा कि अगला वीडियो मैं स्ट्रैंगल पे लेके आऊं और वहां पे ये चीज मैं आपको करके दिखाऊं। तो चलिए, इस तरह से आपको एक स्ट्रैंगल को मैनेज करना चाहिए, इस तरह से आपके स्ट्रैंगल का सेटअप होना चाहिए। स्ट्रैंगल है ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, मैं मेरे खुद के अकाउंट में इसको काफी ट्रेड करता हूं, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था, एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर है कि ये ओपन स्ट्रेटजी है, यहाँ पे रिस्क है वो अनलिमिटेड है। तो अगर आपकी कैपिटल है वो छोटी है या आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस चीज को ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क है वो बड़ा हो सकता है, एडजस्टमेंट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो ऑप्शन ट्रेडिंग है, इसमें एडजस्टमेंट की जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस तरह की ओपन स्ट्रेटजीज है यहाँ पे आप कोई गलती नहीं कर सकते, यहाँ पे एडजस्टमेंट आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके कैपिटल भी ठीक है, तभी आप एक स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल जैसे स्ट्रेटजीज को ट्रेड कीजिए। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग संडे को मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं, जो कि होने वाली है स्ट्रैंगल के ऊपर ही। इस वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रैंगल का आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, मार्केट अगर आपके स्ट्रैंगल को चैलेंज करता है तो आप किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हो, और डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट क्या होते हैं वो आप किस तरह से कर सकते हो, ये मैं आपको इस वर्कशॉप में बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके ग्रिप्स क्या होने चाहिए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये 5 घंटे की वर्कशॉप होगी जिसमें स्ट्रैंगल के बारे में A to Z हम कवर करेंगे, एंड वी विल मेक श्योर कि इस 5 घंटे की वर्कशॉप के बाद स्ट्रैंगल में ऐसा कुछ भी ना हो जो आपको ना आता हो। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस है वो आपके लिए जरूरी है, यहाँ पे जो चीज आपको बताई जाएगी उसकी प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और इसीलिए वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग और PPT ये दोनों आपके साथ शेयर की जाएंगी, एंड अलोंग विद दैट आपको 1 मंथ की हैंड होल्डिंग मिलेगी, जहां पे आप अपने डाउट्स और क्वेरीज पूछ सकते हो। मार्केट आपको चैलेंज करता है, मान लीजिए आपने मार्केट में कोई ट्रेड ले रखा है और मार्केट आपको चैलेंज करता है, तो वहां पे यू कैन रीच आउट टू अस, वी विल हेल्प यू आउट इन दैट ट्रेड। तो आपको 1 मंथ की हैंड होल्डिंग मिलती है जिसमें आप अपनी सभी डाउट्स और क्वेरीज पूछ सकते हो। तो ये वर्कशॉप कमिंग संडे को होगी, दैट इज 9th अप्रैल, 9th अप्रैल को ये कंडक्ट होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।